गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी चैप्टर स्टार्ट है, जो उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपके पास क्या है, एक फंक्शन है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एन। कब है ये? जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस देन 2। सेकेंड वैल्यू इसकी है 4x माइनस 1 इफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू है वो एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n इफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 6। ये क्या कह रहा है? फॉलोइंग फंक्शन, ये कंटिन्यूस है, ये फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूस। तो फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है m की और n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन ब्रेक कहाँ पर है? 2 पर है, हमें लेस देन वैल्यू पता है, ग्रेटर देन भी पता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन कहाँ ब्रेक है? 4 पर, लेस भी है और 4 ग्रेटर देन भी है आपके पास, x लेस देन 4, x ग्रेटर देन 4। तो हम इसकी कंटिन्यूटी, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो सबसे पहले हम एट x इक्वल टू 2, इस पर क्या है फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इस पर हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगी आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव साइन के साथ। तो नेगेटिव साइन यानी कि वैन x लेस देन 2 है, तो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेट x इक्वल टू 2 माइनस एच एच x टेंडिंग टू 2 h ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x को हमने रिप्लेस किससे किया है, 2 माइनस एच से, 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस m, और ये हो जाएगा 2 माइनस एच और प्लस n। अब इसको ओपन करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 2m माइनस एच एम और प्लस n। अब देखो इसमें क्या है आपके पास, एच स्क्वायर है, ठीक है ना, माइनस का 4h है 2m, और इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, तो 4 प्लस 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2m माइनस 0 और प्लस n, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2m, एक तो आपके पास 2m आएगा प्लस n आएगा, तो ये हो जाएगा 2m प्लस n, 2m प्लस n, और ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, और प्लस कितना आएगा, 4। तो 2m प्लस n प्लस 4, ये आपके पास क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू, किस पर निकाल रहे हो आप, 2 पॉजिटिव साइन। तो वैन x इज ग्रेटर देन 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो फंक्शन का कौन सा पार्ट कंसिडर करोगे, 4x माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x माइनस 1, लेट x इक्वल टू 2 प्लस h, एज x टेंडिंग टू 2, h ऑल्सो टेंडिंग टू 0, दैट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 x रिप्लेस्ड बाय 2 प्लस h माइनस 1, और ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, और 4 और 2 प्लस h है, 4 टू जा 8 प्लस 4h माइनस 1, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 8 माइनस 1 है तो 7, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 7 और कितना, प्लस 4h, जब आप लिमिट पुट करोगे तो कितना होगा, 7। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास 7 होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, ये आई आपके पास। अब इसमें क्या करेंगे, फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट 2 पर वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 के इक्वल टू का साइन कहाँ है, यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 1, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। दिया हुआ क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट
किस पॉइंट पर, 2 पर। तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई 2m प्लस n प्लस 4 और इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आई 7, राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आई इसकी 7 और फंक्शन की वैल्यू भी 7 ही है। तो कोई सी भी आप इक्वल रख लो तो हमारे पास हो जाएगा 2m प्लस n इक्वल टू 7 माइनस 4। तो 2m प्लस n इक्वल टू 7 माइनस 4 कितना होगा आपके पास 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमने सोल्व किया और फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। आपने क्या कर लिया, इसकी फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर ली लिमिट सॉल्व करके। अब हमारे पास एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, ये 4 पर भी कंटिन्यूअस है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 और माइनस का साइन, यानी कि वैन एक्स इज लेस देन 4। तो 4 से लेस देन कहाँ है, यहाँ पर, और ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4x माइनस 1। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, लेट x इक्वल टू 4 माइनस h एज x टेंडिंग टू 4 h टेंडिंग टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 को एज इट इज, x को रिप्लेस करेंगे 4 माइनस h और माइनस 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 4 जा 16 माइनस 4h और माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 4h। अब लिमिट जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15 और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट 15 किस पर, एट 4 पर। तो 4 पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आई कितनी 15। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 4 पर चेक कर रहे हैं, तो 4 और पॉजिटिव साइन। अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि एम एक्स स्क्वायर प्लस 17 एम एक्स स्क्वायर प्लस 17 एन, लेट x इक्वल टू 4 प्लस h एज x टेंडिंग टू 4 h ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और m x को रिप्लेस किया 4 प्लस h, 4 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 17 n। अब इसको हम ओपन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 m 4 का स्क्वायर 16 प्लस h स्क्वायर और प्लस 8h और प्लस 17n। ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, 2m प्लस n इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास आया m, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो m 16 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 17n। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं लिमिट पुट करने के बाद, 16m प्लस 17n। अब 16m प्लस 17n हमारे पास आ चुका, ये है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 15 है। अब फंक्शन की एट पर्टिकुलर पॉइंट 4 पर वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये कहाँ चेक करोगे, जहाँ x हमारा 4 के इक्वल है, तो कहाँ है यहाँ पर, तो कितनी होगी 4 इंटू 4 माइनस 1, यानी कि 16 माइनस 1, यानी कि ये भी 15 आ रही है। तो ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 ही होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 16m, यानी कि हमारे पास आएगा 16m प्लस 17n इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 15। ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सोल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, 2m प्लस n इक्वल टू 3, 16m। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
किससे, 8 से मल्टीप्लाई कर लो और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट और उसमें मल्टीप्लाई कर लो इनटू कितना 8 बाय इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड कितनी है आपके पास, 16m प्लस 17n इक्वल टू कितना है 15, और इसमें से माइनस कर रहे हैं 8 के 16m प्लस 8n और इक्वल टू 24, तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा 9n, और 24 में से आपका 15 लेस करेंगे तो 9, माइनस का 9, तो n इक्वल टू आपके पास कितना आएगा माइनस 9 अपॉन 9, n इक्वल टू माइनस 1, तो n की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो कितनी आ रही है माइनस 1। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे इसको, तो जैसे ही फर्स्ट में पुट करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2m प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस 1 इक्वल टू 3, 2m इक्वल टू 3 प्लस 1, m इक्वल टू 4 अपॉन 2 और m आपके पास आ जाएगा 2। तो m की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली 2, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये क्या देगा, कंटिन्यूस देगा, और किसी अननोन क्वांटिटी की आपसे क्या निकलवाएगा, वैल्यू फाइंड कराएगा, तो उसी में क्या करना है हमें कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू, ये तीनों हमेशा इक्वल होंगी अगर वो कंटिन्यूस है, तो इस चीज़ इसको हमें फाइंड करके इक्वल रख के हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी उनको हम सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद जो वैल्यू होगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एग्जामाइन इसकी एग्जामाइन करनी है क्या कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है एफ एट हमारे चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू किस पर जीरो पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो विद निगेटिव साइन, और फंक्शन हमारा कंसिडर होगा योग क्योंकि ये हमारा डज नॉट इक्वल टू क्या है जीरो, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स अपॉन साइन एक्स, तो लिमिट एक्स इसमें इसको रिप्लेस कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच एज एक्स टेंडिंग टू जीरो एच ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। तो अब हमारे पास जो आया वो h टेंस टू जीरो और tan क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो माइनस h अपॉन साइन, क्या हो जाएगा साइन जीरो माइनस h, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन, यानी कि आपके पास हो जाएगा माइनस tan h अपॉन माइनस साइन एच, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टेन को हम लिखेंगे साइन एच अपॉन कोस एच अपॉन साइन एच, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और वन अपॉन कोस यानी कि सेक एच, ऐसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक जीरो इक्वल टू वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने फाइंड की 1, अब हम फाइंड करेंगे क्या राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव पर हमारा फंक्शन कितना होगा यही होगा सेम, क्या हो जाएगा टेन एक्स अपॉन साइन एक्स, लेट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच एज एक्स टेंडिंग टू जीरो एच ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टेन एच जीरो प्लस एच यानी कि टेन एच अपॉन साइन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो
टेन एच कितना हो जाएगा आपके पास, साइन एच अपॉन कोस एच अपॉन साइन एच, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन अपॉन कोस एच यानी कि सेक एच, जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो सेक जीरो इक्वल टू वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल आई वन और राइट हैंड लिमिट भी वन आई, तो अब फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू एफ जीरो पर कितनी है वन, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वैल्यू है वो क्या आ रही है इक्वल, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर ये फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की राइट हैंड लिमिट फाइंड की और एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, तीनों इक्वल हैं तो हमारा जो फंक्शन है क्या है कंटिन्यूस है, नोट करना है आपको इसको। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 के अंदर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है मोड एक्स माइनस थ्री इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सेकेंड एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स अपॉन टू प्लस थर्टीन अपॉन फोर इफ एक्स लेस देन वन, तो इस क्वेश्चन को आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है वन पर और थ्री पर, तो हम लोग क्या करेंगे एट एक्स इक्वल टू वन पर चेक करते हैं, तो वन पर क्या होगी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन नेगेटिव साइन के साथ, तो जब एक्स लेस देन वन है तो फंक्शन कौन सा कंसिडर होगा, ये होगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स अपॉन टू प्लस थर्टीन अपॉन फोर, अब मैं क्या कर रहा हूँ लेट करते हैं लेट एक्स इक्वल टू और ये वन है वन माइनस एच एज एक्स टेंडिंग टू वन एच ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एक्स को रिप्लेस करेंगे वन माइनस एच का स्क्वायर अपॉन फोर माइनस थ्री वन माइनस एच अपॉन टू प्लस थर्टीन अपॉन फोर, अब हम इसमें क्या करते हैं लिमिट पुट कर देते हैं, तो वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर अपॉन फोर माइनस थ्री और वन माइनस जीरो अपॉन टू प्लस थर्टीन अपॉन फोर, तो ये आपके पास आएगा वन अपॉन फोर माइनस थ्री अपॉन टू प्लस थर्टीन अपॉन फोर, तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा फोर वन माइनस कितना सिक्स और प्लस थर्टीन, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस थर्टीन यानी कि फोर्टीन माइनस सिक्स अपॉन फोर यानी कि आपके पास आ जाएगा एट अपॉन फोर और ये इक्वल टू आएगा टू, आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई इस पर्टिकुलर फंक्शन की वो कितनी आई टू, अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये होगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन पॉजिटिव साइन, तो देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ है यहाँ पर है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री लेट एक्स इक्वल वन प्लस एच एज एक्स टेंडिंग टू वन एच टेंडिंग टू जीरो, अब हमारे पास क्या है इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एक्स को रिप्लेस करेंगे वन प्लस एच माइनस थ्री और अब इसमें क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ये हो जाएगा आपके पास एच और कितना हो जाएगा आपके पास एच माइनस और टू, अब इसमें लिमिट पुट कर रहे हैं हम तो जीरो माइनस टू, तो मोड फंक्शन है आपके पास कितना आएगा टू, मोड फंक्शन है कितना आएगा टू, ये यहाँ ये स्टेप यहाँ कर देता हूँ मैं कभी आपको दिखाई ना दे, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ब्रैकेट में वन प्लस एच माइनस थ्री और वैल्यू पुट कर दो आप यहीं पर इसकी कितना हो जाएगा वन और प्लस जीरो और माइनस थ्री, तो माइनस टू होगा और मोड के अंदर ये टू आएगा, तो राइट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आई टू, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी हमारे पास टू,
तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अब हम एफ टू फाइंड करेंगे इसमें, एफ वन सॉरी वन पर चेक कर रहे हैं। तो वन के इक्वल हमारा फंक्शन यहाँ है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, वन माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू विच इज इक्वल टू टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एफ वन, तीनों आपस में क्या हैं, ये इक्वल हैं। इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, वन पर हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, राइट हैंड लिमिट फाइंड की और फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू फाइंड की और चेक किया कि तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस। तो आप इसे नोट कर लो। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे एक्स इक्वल टू थ्री पर, नेक्स्ट हम चेक करेंगे एक्स इक्वल टू थ्री, एट एक्स इक्वल टू थ्री। तो इस पर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लिमिट x टेंडिंग टू थ्री विद निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन का मतलब है जब x हमारे पास किस पर चेक कर रहे हैं, थ्री पर, तो ये जो फंक्शन है ये थ्री से लेस देन यानी कि थ्री के आसपास, थ्री से ग्रेटर देन कहाँ पर, x ग्रेटर देन वन। तो जब ये फंक्शन थ्री के आसपास होगा यानी कि थ्री से लेस होगा तो ये आप पार्ट कंसिडर करोगे, ठीक। तो ये हो जाएगा मोड x माइनस थ्री, लेट x इक्वल टू थ्री माइनस एच, एच एक्स टेंडिंग टू थ्री, एच ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ब्रैकेट में एक्स को हमने रिप्लेस किया थ्री माइनस एच माइनस थ्री, थ्री माइनस एच माइनस थ्री, तो ये आपका कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये मोड से बाहर आएगा तो एच ये हो जाएगा जीरो। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की है। अब हम इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट और x टेंडिंग टू जीरो, x टेंडिंग टू थ्री प्लस, थ्री प्लस में डाल लेंगे अब हम, थ्री प्लस का मतलब है तो ये जो फंक्शन होगा ये थ्री के आसपास होगा यानी कि थ्री से लेस देन और ग्रेटर देन पर हम इसी को कंसिडर करेंगे। क्या हो जाएगा x माइनस थ्री, लेट x इक्वल टू थ्री प्लस एच, एच एक्स टेंडिंग टू थ्री, एच ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री को रिप्लेस कर देंगे, x को हमने क्या किया आपके पास थ्री प्लस एच माइनस थ्री, तो ये फिर से कैंसिल हो गया और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो मोड h और वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल हैं। अब हम f किस पर निकालेंगे, थ्री पर, f थ्री पर भी हमारा फंक्शन यही कंसिडर होगा विच इज इक्वल टू कितना, थ्री माइनस थ्री विच इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज, ये हमारा कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू किस पॉइंट पर, ये जीरो थ्री पर हमारा ये क्या है, कंटिन्यूस। तो यहाँ आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ एक पर देख लेना आप, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने क्या लिया, थ्री प्लस में भी यही फाइंड किया, यही फंक्शन लिया और थ्री माइनस में भी। हमारा जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है कि जब ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा यानी कि वन से कोई भी बड़ी वैल्यू होगी तो ये फंक्शन हम कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है आपका ये थ्री पर हमारा क्या होगा, कंसिडर होगा। तो थ्री का मतलब है, एच का मतलब है कि थ्री से लेस देन यानी कि थ्री के बहुत नज़दीक, थ्री से लेस देन भी और थ्री से ग्रेटर देन पर भी हमारा यही फंक्शन कंसिडर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में भी कंसिडर किया, राइट हैंड लिमिट में भी कंसिडर किया और वैल्यू फाइंड की तो इक्वल आया। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन इस दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस। वैसे भी मोड फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, बस डिफ्रेंसिबल नहीं होता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर वो ब्रेक है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो।